सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियां और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहां पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त करूंगा। तो यहां पर सबसे पहले आते हैं फिंगर की लेंथ के विषय में। तो यहां पर देखेंगे तो फिंगर की लेंथ आपके पाम के कंपेरिजन में थोड़ी सी शॉर्ट जा रही है। ये थोड़ा फास्ट डिसीजन मेकर व्यक्ति को बनाने वाला होता है और इंस्टेंट डिसीजन इसी कारण से आप यहाँ लेने वाले रहेंगे। इसका मतलब ये निकल के आता है कि जैसे ही दिलो दिमाग में कोई भी बात आया या ख्यालात आया, उसके ऊपर क्विकली रिएक्ट करना या एक्शन लेने लगना अपने थॉट्स के ऊपर, ये बेसिक नेचर में होता है। इस कंडीशन में पेशेंस लेवल थोड़ा कम देखने को मिलता है, किसी भी चीज़ को पाने की चाहत ज़्यादा रहती है। इसलिए ये लॉट्स ऑफ ड्रीम डिज़ायर एम्बिशन को किसी के अंडर में प्रॉपरली वर्क ना कर पाने के योगों को दूसरों को अपने अंडर में अच्छे से रख कर काम निकलवाने के योगों को यहाँ पर दर्शाता है। और यहाँ देखेंगे तो लिटिल फिंगर की लेंथ शॉर्ट है, तो ये थोड़ा कम्युनिकेशन स्किल में हल्की सी हिचकिचाट देती है, लेकिन ये आपकी लिटिल फिंगर बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आ गई है। रीज़न ये है कि सारे फिंगर के कंपैरिजन में लिटिल फिंगर यहाँ पर प्योरली इंडिपेंडेंट है। जब लिटिल फिंगर इस प्रकार से इंडिपेंडेंट देखने को मिलती है तो नॉर्मली ये थोड़ा हठी किस्म का नेचर, जिद्दी स्वभाव और कर्मठ इंसान एक प्रकार से व्यक्तित्व को भी यहाँ पर दर्शाता है। तो किसी भी प्रकार के मेहनत से या किसी भी प्रकार के अपने डिज़ायर से आप जैसे जातक पीछे नहीं हटते हैं और अपने मन का तकरीबन सब काम कर पाते हैं। तो इसीलिए ये लिटिल फिंगर इतना नेगेटिव रिस्पांस हालांकि नहीं देगा और इंडिपेंडेंट नेचर अप्रोच देने के साथ साथ थोड़ा अधिक खर्चीलापन देता है। फिंगर के बीच में जब गैप मेंटेन होते हैं तो आप जैसे जातकों के हथेली से पैसा बड़ी सरलता से फिसलता है। फर्स्ट और थर्ड फिंगर के लेंथ में आपकी फर्स्ट फिंगर की लेंथ स्ट्रांग है। जब फर्स्ट फिंगर किसी भी वे में थोड़ी स्ट्रांग देखने को मिलती है तो नॉर्मली ये यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग नेचर देता है, जिसके कारण जीवन में कभी किसी प्रकार की जिम्मेदारी लेने से पीछे नहीं हटते हैं। और देखा जाए तो एज ए लीडर, एडवाइजर, गाइडर, कंसल्टेंट या एज ए टीचर प्रोफेशनल लाइफ में ग्रोथ कर पाने में सक्षम देखने को मिलते हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट हालांकि ये ज़्यादा देता है, नॉलेज भी इवन अच्छा देने वाला रहता है। फर्स्ट और सेकेंड फिंगर जब एकदम से मर्ज होती है, कंजंक्ट होती है, इस प्रकार से जुड़ी हुई रहती है, तो ये दर्शाता है कि आपको दिखावटीपन ज़्यादा पसंद नहीं आता है। इसीलिए अपनी कई बातों को थोड़ा गुप्त आप यहाँ पर रखेंगे। और थोड़ा सेट जो आपका सैटर्न फिंगर वो भी हल्का सा टिल्टेड है, तो ऐसे जातक बहुत ज़्यादा न्यायप्रिय किस्म के देखने को मिलते हैं, डिवोटेड, डेडिकेटेड और डिसिप्लिन मेंटेन करने वाले होते हैं। वहीं देखा जाए तो फिंगर के ऊपर आपकी सीधी खड़ी रेखा की अवेलेबिलिटी अच्छी है, तो ये फ्रेंडली नेचर मिलनसार स्वभाव को दर्शाता है, जिसके कारण हर परिस्थिति माहौल में अपने आप को ढाल लेना, हर प्रकार के व्यक्तित्व वाले लोगों के साथ संबंध अच्छे रखना, ये भी बेसिक नेचर में रहता है। फिंगर के जो नोड्स हैं वो यहाँ पर डेवलप ठीक है, जो एक स्पष्टवादी किस्म के नेचर को दर्शाता है, जिसके अंतर्गत सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना, सुनना, विचारना बेसिक नेचर में रहता है। वहीं यहाँ पर देखा जाए तो आपके फेलेंजेस डेवलप ठीक है, आपका इंटरनल मार्स डेवलप ठीक है, तो स्टेमिना, एनर्जी, रोग प्रतिरोधक क्षमता ठीक रहती है। वहीं थंब का साइज थोड़ा सा शॉर्ट है, जिसके कारण टू द पॉइंट बात करना है, सुनना ही ज़्यादा पसंद करेंगे। यहाँ देखा जाए तो सेकंड फिलिंग की लेंथ अच्छी जा रही है, तो इस कारण से आपका लॉजिकल पावर अच्छा रहेगा और जहाँ पर थंब का जॉइंट पॉइंट है वहाँ पर भी कुल मिलाकर के जो मांसल है वो यहाँ पर ठीक देखने को मिल रहा है। तो इस कारण से जो भी जीवन में ठाना है वो चीज़ सबसे पहले करके दिखाएंगे। थंब यहाँ पर थोड़ा सशक्त आपका जा रहा है, मजबूती की स्थिति में है, 90 डिग्री का प्योर एंगल भी है, तो लाइफ में हर चीज़ को एक्सेप्ट करने वाले, मेंटली स्ट्रांग, अपने डिसीजन पर अड़िग रहने वाले यहाँ पर आप देखने को मिलेंगे। पाम का साइज आपकी लंबाई चौड़ाई में अच्छा, ये स्क्वेयरिश एंड में कन्वर्ट हो रहा है, क्योंकि नीचे के एरिया से ये डेवलप ज़्यादा है। ये हार्ड वर्किंग नेचर इंडिकेट करता है, मेहनत में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती, और जैसे नीचे का एरिया डेवलप्ड होता है तो इससे जातक इंडिपेंडेंट, यानी आप जो है इंडिपेंडेंट वर्क करना ही अपने लाइफ में सबसे ज़्यादा प्रेफर करेंगे। कोई ज़्यादा रोके टोके, अड़चन अड़ग्गा डाले, वो सारी चीज़ें ज़्यादा पसंद आप जैसे जातकों को नहीं आता है। गुरु के क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर जुपिटर के ऊपर एक चीज़ देखेंगे कि जो जुपिटर है वो कुल मिलाकर के एक स्क्वायर का साइन भी क्रिएट कर रहा है, हल्का सा यहाँ साइन ये देखने को मिल रहा है यहाँ पर एक, और एक हाफ स्क्वायर साइन यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। तो जब इस प्रकार का स्क्वायर का साइन देखने को मिलता है तो ये प्रॉस्पेरिटी, वेल्थ एंड प्रॉपर्टी, ये तीनों चीज़ लाइफ में मेंटेन करवाता है, तो इसीलिए लाइफ में इन्वेस्टमेंट के पर्पस बढ़ते हैं। हालांकि ये स्क्वायर का साइन इतने स्ट्रॉन्ग यहाँ पर नहीं पोजीशन में है कि पूरे अपने रिजल्ट दे पाए, लेकिन तब भी ये फॉर्मेशन बन रहा है। आप थोड़े और धार्मिक होइए, दान पुण्य धर्म कर्म की जैसी चीज़ों में आइए, और ज़्यादा आपको जो है
जीवन में लाभ और उन्नति देखने को मिलेगा। प्रोग्रेस लाइन भी है तो एम्बिशियस नेचर भी है, बाकायदा कोई दिक्कत नहीं है। एम्बिशियस नेचर का मतलब ही यही होता है कि व्यक्ति ऐसा कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पाते हैं अपने लाइफ स्टाइल से या अपने ड्रीम डिज़ायर से। यही रीज़न है कि ये ग्रोथ भी अच्छा दर्शाता है। और जैसे ये आड़ी आड़ी हल्की सी रेखा देख पा रहे हैं, ये दयालु किस्म का व्यक्तित्व देता है। तो दूसरों का जैसे सपोर्ट में रहना, दुख दर्द समझना, सिंपैथी सबके प्रति रखना, ये बेसिक नेचर में आ जाता है। इसके अलावा सैटर्न की बात करें तो यहाँ आपकी फेट लाइन के ऊपर आते हैं, तो फेट लाइन आपकी स्टार्ट बड़ी बेहतरीन हुई है, बहुत अच्छी हुई है। इस प्रकार की फेट लाइन व्यक्ति का लक अच्छा देने के साथ साथ कंफर्टेबल लाइफ स्टाइल, मनी भी इवन देता है। मैरिज के बाद भी जन्म स्थान से दूर रहने बसने का योग बनता है। और जहाँ तक पब्लिक सपोर्ट की बात करें तो बाहरी दुनिया लोगों के द्वारा प्रेम दुलार प्यार सहयोग भी सब मिलता है। ये फेट लाइन में इतना दम नहीं है, देखने में तो बड़ा अच्छा लगा एक नज़र में, लेकिन बारीकी से आप देखेंगे तो फेल करके ये फेट लाइन आपकी चल रही है। तो ऐसा है कि अभी तक आपका जीवन पूरे के पूरे संघर्ष में यहाँ पर दिख रहा है कि जितना मेहनत किया है उतना रिजल्ट प्रॉपरली नहीं आ पाया, इसीलिए ये थोड़े अनसेटिस्फेक्शन को यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है मनी के रिगार्डिंग खासकर, क्योंकि ये सबसे मेन तो आपके मनी को डिनोट कर रहा है। और यहाँ पर एक राहु की रेखा आपको जो है काट करके जा रही है। और ये अगर उम्र देखेंगे आप तो उम्र ये निकल के आएगा अप्रोक्स 35 से लेकर के तकरीबन 38 के मिड में। इस पीरियड में मनी लॉस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा शो हो रहे हैं। हेल्थ रिगार्डिंग प्रॉब्लम, मेंटल टेंशन, प्रेशर, इवन फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग भी इश्यूज़ दिख रहे हैं। अब ये जो 38 के बाद का पीरियड है धीरे धीरे कर सुधरने लग रहा है, अब ये रेखा धीरे धीरे सुधर रही है, लेकिन दिक्कत सबसे बड़ी यही है कि ये सैटर्न तक नहीं पहुंच पाया, माउंट तक। तो जब भाग्य रेखा शनि पर्वत तक नहीं पहुंच पाती है तो उस कंडीशन में ये प्रोमिनेंट रिजल्ट अपने नहीं दे पाता है, कई मर्तबा मुँह के पास निवाला आकर के रह जाता है। लाइफ में कोई भी बाहर से आपको देखेगा बोलेगा आप संपन्न जो है जीवन व्यतीत कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, अंदर से आप अनसेटिस्फाइड ज़्यादा हैं। अब जैसे शनि की स्थिति की बात करें तो शनि पर आगे चल करके त्रिशूल की आकृति बनी पड़ी है, जो एक प्रकार से नेम, रिस्पेक्ट, अथॉरिटी, पावर, धन के साथ साथ सेटिस्फेक्शन भी देता है, लेकिन ये बहुत लेटर एज यहाँ पर इंडिकेट करा। उसके पहले एक यहाँ देखेंगे बारीकी से तो आपको एक छोटा सा आइलैंड का फॉर्मेशन बनता हुआ दिखेगा। ये आइलैंड का फॉर्मेशन सही नहीं होता है, फेट लाइन का भी रुकना थोड़ा सा अनसेटिस्फेक्शन को तो इंडिकेट कर ही रहा है, परंतु ये अनवांटेड टेंशन, वरीज, प्रेशर को भी यहाँ पर दर्शाता है। तो यहाँ पर एक और जो है पॉजिटिव साइन ये देखने को मिला है कि जैसे आपकी हार्ट लाइन स्ट्रेट गई है, ओवरलैप करके हार्ट लाइन यहाँ पर जुपिटर से मर्ज हुई है। तो जुपिटर से जैसे ये मर्ज होता है तो ये थोड़ा सा इमोशनल नेचर को यहाँ पर इंडिकेट करता है। इस कंडीशन में एक प्रकार से देखा जाए तो सिंपैथेटिक जैसे नेचर है आपका, तो जैसे दिल से ज़्यादा सोचना, दिल के द्वारा अत्यधिक निर्णय लेना, जितना भी प्रैक्टिकलिटी हो आपके अंदर, लेकिन फाइनल डिसीजन आपके इमोशन बेस्ड रहने वाला है। सेकेंड पॉइंट इसमें यह होता है कि हाई पोस्ट अथॉरिटी से कनेक्शंस अच्छे रहते हैं। जितने टॉप लेवल मैनेजमेंट करेंगे, जिनके पास पावर अथॉरिटी रहेगा, उन सभी से आपके संबंध कुल मिलाकर के मधुर यहाँ पर रहने वाले रहेंगे। आरामदायक जीवन को भी ये व्यतीत करता है, क्योंकि तमाम तरह के सुख सुविधा और एक प्रकार से संतुष्टि का ये कारण भी बनता है। इसलिए धार्मिक जैसे आप रहेंगे तो ये आपके भाग्य को और बढ़ाएगा, जीवन में तमाम तरह के और सुख सुविधाएं बढ़ाने वाला भी रहेगा। तो बस यहाँ पर जो थोड़ी दिक्कत आ रही है वो सिर्फ अनसेटिस्फेक्शन के रिगार्डिंग आ रही है, तो वो भी पहले भी बताया गया आपको कि आप धार्मिक रहिए, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड फिंगर जिनका कंजंक्ट होता है, इनकी जो धार्मिकता होती है वो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती है। तो ये चीज़ का ध्यान रखें। बाकी अब जो है लाइफ में ग्रोथ के चांसेस बढ़िया है, जैसे कोई भी रेखा माइंड लाइन से निकल के या हार्ट लाइन से कंजंक्ट होता है तो ये थोड़ा सेक्रीफाइसेस लाइफ में मांगता है। तो ये जो पीरियड रहा है आपका सेक्रीफाइस का, ये उम्र 34 से लेकर के 38 के मिड में रहा है, किसी ना किसी अपने ड्रीम डिज़ायर एम्बिशन को सेक्रीफाइस आपने किया है। इसके अलावा यहाँ पर जस्ट बात करें आपके सूर्य के क्षेत्र पर, तो सूर्य का क्षेत्र यहाँ पर आपका विकसित ठीक है, और यहाँ पर आपकी वी सिंबल की आकृति अवेलेबल हो रही है। इसे यशस्वी योग कहा जाता है, जो सक्सेस आफ्टर बेसिकली स्ट्रगल को और प्रॉपर्टी बनने के भी योगों को दर्शाता है। तो इसे देखा जाए तो आपके जो यहाँ पर रिस्पेक्ट है या ये जो अवधा पोजिशन रहेगा वो अच्छा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और इसी के अलावा यहाँ पर आपकी बात करें मरकरी माउंट की, तो मरकरी की भी स्थिति बहुत बढ़िया है, क्योंकि मल्टीपल जब लाइन होती है तो ये मल्टीपल लैंग्वेजेस का नॉलेज, मल्टीटास्किंग नेचर भी इवन देने वाला होता है। कम्युनिकेशन स्किल, इवन कन्विंसिंग स्किल भी यहाँ पर अच्छा देखने को मिलता है। वहीं हृदय रेखा की बात करें तो हृदय रेखा यहाँ पर कुल मिलाकर के थोड़ा सा फेल करके चल रहा है। हालांकि देखा जाए तो लाइफ लाइन का फ्लो सपोर्टिव, हार्ट लाइन का फ्लो ठीक है,
तो इतना कोई मेजर इशू हेल्थ के रिगार्डिंग फिर ये नहीं देता है। वहीं हार्ट लाइन जब स्ट्रेट जा रही होती है तो ये एक प्रकार के प्रैक्टिकल नेचर को, एनालिटिकल पर्सनैलिटी को, लॉजिकल पर्सनैलिटी को, इवन हिडन टाइप ऑफ नेचर को भी इंडिकेट करता है, जिसके कारण अपने इमोशंस फीलिंग्स को इतना जल्दी रिप्रेजेंट किसी के सामने नहीं करते हैं। वहीं बात करें यहाँ पर माइंड लाइन के विषय में, तो माइंड लाइन और लाइफ लाइन के द्वारा आइलैंड का फॉर्मेशन यहाँ पर बना हुआ है। तो जैसा ये आइलैंड का फॉर्मेशन होता है तो ये स्टार्टिंग लाइफ थोड़ी टफ देता है, बचपन में ही एक प्रकार से दुनियादारी देख ली होती है वैसी वाली बात हो जाती है। तो ये आइलैंड का फॉर्मेशन हेल्थ, फैमिली और एक प्रकार के मनी और मेंटली ट्रबल जो है देने वाला रहता है, प्रेशर, जैसे मेंटल प्रेशर होना। ऐसा नहीं है कि बचपन में ही रहा हो, टीनेज के बाद में, व्यस्क होने के बाद भी, 21 के बाद भी मेंटल प्रेशर ज़्यादा रहा। जैसे एक मंगल की रेखा करके काट के गई तो ये सर पे चोट लगना या सर दर्द का इशू होना, मेंटल प्रेशर, टेंशन, वरीज बढ़ना, जो उम्र 26 से लेकर के 28 के मिड में दिख रहा है, और फिर उसके बाद यहाँ पर ये रेखा ऊपर की गई 35 में, जो सेक्रीफाइस करवा रही है। फिर आगे रेखा आई, एक छोटा आइलैंड और बना हुआ है, वो एक प्रकार से देखें तो ये 38 के एज में है, और फिर 38 के बाद से धीरे धीरे माइंड लाइन स्टेबल हो रही है, इवन बायफोर के फॉर्मेशन भी डेवलप्ड होने लग रहे हैं। तो इस प्रकार का जब माइंड लाइन होता है तो ये व्यक्ति को और ज़्यादा ग्रोथ और इनकम सोर्सेज को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देने वाला, और जैसे बायफोर के फॉर्मेशन है तो ये यहाँ पर पद प्रतिष्ठा मान बढ़ा देने वाला रहता है, क्योंकि सूर्य के नीचे ये फॉर्मेशन बना हुआ है। हालांकि आप जैसे जातकों को बिजनेस का सजेशन दिया जाता है कि डेफिनेटली बिजनेस करें, क्योंकि बिजनेस में आपका डिसीजन जो है अच्छा निकलेगा, बाकी ऐसा है कि आपका मर्करी लाइन इतना स्ट्रांग नहीं है तो उस कंडीशन में बिजनेस का रिकमेंडेशन अभी आपको नहीं दिया जाएगा। माइंड लाइन आपकी स्ट्रेट है, स्ट्रेट माइंड लाइन प्रेशर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी देती है, जिस कारण जीवन में चाहे किसी भी प्रकार का तकलीफ, कष्ट, बाधा, अड़चन, परेशानी क्यों ना हो, हर मुसीबतों को झेलते हुए आगे निकलने वाले होते हैं, और तमाम तरह के दिक्कतों से निकल पाने में सक्षम सिर्फ इसी बेसिस पे होते हैं क्योंकि हार जीवन में कभी नहीं मानते हैं और ना ही किसी भी परिस्थिति से आघात होते हैं। यही रीज़न है कि सहनशीलता, जुनून, हौसला, पराक्रम बहुत अच्छा देता है जब आउटर मार्स पे माइंड लाइन पहुंचे या कोई सपोर्टिव लाइन हो। इसलिए शत्रुहंता योगों को भी दर्शाता है। शत्रुहंता योग वो होता है जिसमें शत्रु तो होते हैं जीवन में लेकिन वो कुछ कर नहीं पाते, बिगाड़ नहीं पाते हैं। वहीं यहाँ पर लाइफ लाइन का फ्लो बाहर की तरफ झुक रहा है, फिर अंततः शुक्र की तरफ आ रहा है। तो ऐसा है कि उम्र अराउंड 46 के बाद में फैमिली फोकस थोड़े आप ज़्यादा हो जाने वाले रहेंगे, और लाइफ लाइन के पैरेलल चलने वाली सपोर्टिव लाइन यह देवदूत रेखा हथेली में बहुत बढ़िया रिस्पांस करती है। जब ये रेखा हथेली में होती है तो चिंता करने वाली कोई बात ही नहीं होती है। रीज़न क्या होता है कि ये सपोर्ट बहुत बेहतरीन देती है। ऐसा सपोर्ट देगी आपको कि किसी भी बीच मझधार में आप फंसे हों, कोई स्ट्रेंजर आकर के आपकी सपोर्ट कर जाएगा, और वो स्ट्रेंजर सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाले की कृपा के द्वारा आता है। इसीलिए इसे देवदूत रेखा, प्रोटेक्शन लाइन, सपोर्टिव लाइन, तमाम तरह की लाइंस के अंदर कंसिडर किया जाता है। तो ये जो सपोर्ट सिस्टम लाइफ में स्टार्ट होता दिख रहा है वो उम्र तकरीबन 34 के लमसम से दिख रहा है, 33 और 34 के एज से। और इसी के बाद जो ये सबसे बड़ा कष्ट दिख रहा है राहु लाइन को, बहुत स्ट्रॉन्ग ये लाइन है, उस समय आपको सपोर्ट अच्छा मिला है, घर परिवार, बाहरी दुनिया, लोगों का, ऐसे ऐसे लोगों का सपोर्ट मिला है जिनसे आपने एक्सपेक्ट तक ना किया हो, और वो उन सारी दिक्कत परेशानियों से आपको निकाल करके लेगा। तो ये सारे साइंस इंडिकेशन अच्छे हैं, और ऐसा नहीं है कि पहले आपको दिक्कत नहीं रहा, पहले भी मंगल की तरफ से दिक्कत बढ़ूत आया है, और मंगल की तरफ से जब रेखा आती है तो दो कंडीशन में प्रॉब्लम होता है। सबसे पहला तो ये फैमिली लाइफ के प्रति दिक्कत देता है, अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी और तमाम तरह के मेंटल इश्यूज प्रॉब्लम। दूसरा ये लाइफ लाइन आपके स्वास्थ्य को रिप्रेजेंट करता है, तो हेल्थ रिगार्डिंग भी माइनर इश्यूज कुछ ना कुछ लगे रहते दिख रहे हैं 24, 26, 28, 32 इन सारे एजेस में। उसके बाद लाइफ लाइन की स्थिति ठीक है, तो अब कोई ऐसी दिक्कत तो यहाँ रिप्रेजेंट नहीं हो रही है। हाँ, शुक्र के तरफ से आगे चल करके रेखाएँ आने लग रही है, तो शुक्र प्योर स्पाउस को और फैमिली लाइफ यानी बच्चों की तरफ से होने वाले थोड़े से टेंशन, वरीज, हेल्थ रिगार्डिंग प्रॉब्लम, इन सबको दर्शाता है। अंदरूनी मंगल की ऐसी स्थिति देखा जाए तो ठीक है, आउटर मार्स की स्थिति भी ठीक है, तो ये फिजिकली फिट, मेंटली अलर्ट यहाँ पर रखने वाला रहेगा। शुक्र की स्थिति भी बहुत बढ़िया है यहाँ पर। ऐसा शुक्र तो बहुत ज़्यादा शौकीन किस्म का नेचर देने के साथ साथ तमाम तरह के जो ड्रीम और डिज़ायर्स होते हैं वो सब कंप्लीट कराता है। ऐसा शुक्र वाले जातकों के जीवन में संघर्ष के द्वारा खूब रईसी आती है। रईसी का मतलब लग्जरीज, रॉयल्टी और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो ये सब सारी चीज़ें आप खुद के दम पर करते हुए ज़्यादा दिख रहे हैं, और सीधे खड़ी रेखा की अपॉर्चुनिटीज़ जो है ये अच्छा डिनोट कर रही है। शुक्र पर आड़ी रेखा बहुत ज़्यादा अनवांटेड प्रेशर, टेंशन, वरीज देता है,
तो कहीं ना कहीं आप लोड बहुत ज़्यादा ले लेते हैं, बातों को सीरियसली इतना ज़्यादा लेने की आवश्यकता नहीं है, या इतना ज़्यादा लोड टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि शुक्र कारक होता है हैप्पीनेस का और पीसफुलनेस का, और ऐसी आड़ी रेखा इन दोनों चीज़ों को भंग भी करती हैं, तो ध्यान रखें। और केतु के ऊपर डिवाइडेशन होना ट्रैवलिंग्स के लिए अच्छा माना जाता है, तो यात्राओं का सौभाग्य तो मिलेगा ही, स्वास्थ्य में भी सुधार ही अच्छा करेगा। चंद्र की स्थिति से कोई दिक्कत नहीं आ रहा, चंद्र से तो भाग्य रेखा भी कंजंक्ट है, तो ये शादी के बाद होने वाले उन्नति को, मन के द्वारा किए गए अत्यधिक काम को, और जन्म स्थान से दूर भी जो है रसने बसने के योगों को भी व्यक्त करता है। मरकरी लाइन जैसे इनकम्प्लीट है, इस कंडीशन में पैसा चाह करके भी रुक नहीं पाता है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे भी पैसा आए कहीं ना कहीं उसको फिक्स कर दें, फंसा दें, दबा दें, कैसे भी करके अपने पास से हटा दें, तो वो पैसे का यूटिलाइजेशन हो जाएगा। अगर किसी भी कारणवश आपके पास पैसा रहा, दिमाग में कहीं ना कहीं छाया रहा, वो कैसे चला जाएगा आपको खुद भी समझ नहीं आएगा। एक इसमें फेड लाइन में अच्छी बात यह है कि सूर्य की रेखा निकल रही है, तो सूर्य की रेखा अच्छे डिसिप्लिन और पंचुअलिटी को तो रिप्रेजेंट करता ही है, लेकिन ये रेखा थोड़ी वीक है। अगर ये रेखा थोड़ी और मजबूत होती तो कहीं ना कहीं आप बहुत बड़े पोस्ट या अथॉरिटी पर विराजमान होते अभी। इसके अलावा देखा जाए आपके यहाँ पर बेसिकली अनदर लाइंस के फॉर्मेशन में, तो यहाँ एक चीज़ जो सबसे अच्छा शो होने लग रहा है वो है स्क्वायर का साइन। सूर्य रेखा के द्वारा जब स्क्वायर का साइन या फेड लाइन के द्वारा जब बनने लगता है, जैसे यहाँ पर अभी बना नहीं है, बनने लग रहा है, तो ये एक प्रकार से मल्टीपल प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट के चांसेस को दर्शाता है, जो 45 के प्लस एज में ही होता है। तो ये योग यहाँ पर एक तो हथेली में आपके बहुत बेटर और बेस्ट देखने को मिला। लेफ्ट पाम में आपके फेड लाइन के बारे में बात किया जाए, तो यहाँ पर भी फेड लाइन वी सिंबल के साथ स्टार्ट हो रही है मून के एरिया से, तो इसीलिए ये कंफर्टेबल लाइफ तो देती ही है, क्योंकि ये सैटर्न तक यहाँ पर पहुँच रही है, तो थोड़ा देर ही सही लेकिन सारे ड्रीम और डिज़ायर आपके कंप्लीट यहाँ हो जाने वाले रहेंगे। और जैसे कि इसमें से बायफोर्क के फॉर्मेशन हो रहे हैं, तो ये बायफोर्क के फॉर्मेशन बहुत बढ़िया माना जाता है, क्योंकि ये लेटर एज में भी सर्विसेज करते रहने के योगों के साथ साथ नेम रिस्पेक्ट और खुशहाली जीवन में बढ़ाने वाला होता है, क्योंकि शनि के ऊपर जब बायफोर्क होता है तो डबल सोर्सेस ऑफ अर्निंग या डबल वे से एक्सपेंसेस लाइफ में होते हैं। दूसरी बात, ओल्ड एज कंफर्टेबल होता है, क्यों? क्योंकि बच्चों के द्वारा सहयोग या सुख की प्राप्ति जो है अच्छी होती है, और इसकी कंपेरिजन में मून लक लाइन और अवेलेबल है, छोटे छोटे स्क्वायर के साइन है, तो ये कंफर्टेबल लाइफ के साथ साथ यहाँ पर ये भी 100% शो कर रहा है कि आपका जन्म स्थान से दूर प्रॉपर्टी बनेगा, और आप प्योर सेल्फ मेड पर्सनैलिटी के, क्योंकि मल्टीपल प्रोग्रेस लाइन आपके लाइफ लाइन से निकल रही है, तो खुद के द्वारा इनिशिएटिव मेहनत करके आप अपने जीवन में अपने आप को स्टेबल किया है। तो यह थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो, कोई और अगर रह गया हो तो जरूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।